शक्ति बंधन अधिनियम, इसके माध्यम से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। जब ये बिल कानून बनेगा तो उसकी ताकत अनेक गुना बढ़ जाएगी। बता दें कि 27 साल से मंजूरी की प्रतीक्षा में महिला आरक्षण के मुद्दे पर एक क्रांतिकारी निर्णय लेते हुए आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संसद और राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाला नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल लोकसभा में 454 मतों के साथ बहुमत से पारित कर दिया गया है। यही कारण है कि इस पल को यादगार बनाते हुए नव निर्वाचित नवी मुंबई भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्षा माधुरी सुतार द्वारा नवी मुंबई स्थित नेरुल में आनंदोत्सव मनाने के साथ ही नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल की हर महिलाओं तक जन जागृति निर्माण करने हेतु जन जागृति अभियान को गति दी गई, जहां भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष वर्षा भोसले और प्रभाग की असंख्य महिलाएं उपस्थित थीं। इस दौरान वर्षा भोसले और माधुरी सुतार द्वारा महिलाओं और लड़कियों को चॉकलेट का वितरण कर इस आनंद उत्सव को मनाया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के प्रत्येक स्त्री के इस अनोखे गौरव करने के लिए उनका आभार माना गया। बता दें कि माधुरी सुतार के नेतृत्व में इस आनंदोत्सव का आज से प्रारंभ हुआ है। आने वाले दिनों में नवी मुंबई भाजपा महिला मोर्चा के माध्यम से नवी मुंबई के हर स्तर पर जन जागृति अभियान और आनंदोत्सव को और व्यापक तौर पर मनाया जाएगा। इसी के साथ ही इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए मेरा माटी मेरा देश मुहिम के तहत वीर जवानों और बहादुरों को नमन करते हुए माधुरी सुतार द्वारा मेरी माटी मेरा देश अभियान को भी गति दी गई, जहां मौजूद मान्यवर महिलाओं के साथ सभी महिलाओं ने मिट्टी का संकलन कर इस अभियान का वह भाग बनी। इतना ही नहीं, पूर्व महापौर जयवंत सुतार, समाज सेवक जयेंद्र सुतार और माधुरी सुतार की पहल से अपने निवास स्थान पर उन्होंने गणेशोत्सव के मौके पर मेरी माटी मेरा देश अभियान को गति दी, जिसके माध्यम से गणपति बप्पा के दर्शन के लिए आने वाले परिवार के सदस्य भक्त मिट्टी का संकलन कर इसका भाग बन रहे हैं। इस दौरान नवी में नेटवर्क से बात करते हुए वर्षा भोसले ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण 27 वर्षों बाद यह ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है और हमारा गौरव करने वाले प्रधानमंत्री को हमारा सलाम है। एक स्त्री म्हणून या गोष्टीचा प्रचंड आनंद आहे। गेली 27 वर्ष, जवळपास 3 दशक हा लढा सुरू होता आणि सगळेच जण म्हणतात पण कोणी करत नव्हतं। थेट केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी घेऊन नव्या संसद भवनात हे पहिलंच अधिवेशन पटलावरती ठेवणं हा ऐतिहासिक निर्णय मोदीजी घेऊ शकतात तो त्यांनी घेतला आणि हा आम्हा समस्त स्त्रीजातीचा सन्मान केला। मला असं वाटतं ही एक स्त्री म्हणून आमच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आणि मोलाची गोष्ट आहे। येत्या काळामध्ये स्त्रीला जर समान हक्क मिळावा असं वाटत असेल, जर ती उत्तम घर सांभाळू शकते, कुटुंब उत्तर सांभाळू शकते, तर उत्तम समाजाची निर्मिती करू शकते आणि उत्तम समाजाच्या निर्मिती जर करायची असेल ती ती राजकारणातसुद्धा पुरुषांच्या बरोबरीने खांद्याला खांदा लावून काम करणारी स्त्री असली पाहिजे, तिला निर्णय घेण्याचे अधिकार असले पाहिजेत आणि या 33% आरक्षणामुळे तो निर्णय तिला मिळणार आहे आणि येत्या काळामध्ये समृद्ध भारत सुजलम सुफलम भारतामध्ये स्त्रीची भूमिका खूप मोठी असणार आहे। त्यासाठी या निर्णयाचं आम्ही सगळ्या स्त्रिया नवी मुंबईमधल्या सगळ्या पदाधिकारी या निर्णयाचं स्वागत करतो आणि मोदीजींचे खूप खूप धन्यवाद देतो, त्यांना अभिनंदन करतो की त्यांनी आमचा गौरव केलाय आणि आमचा गौरव करणाऱ्या नेत्याला आम्ही सलाम करतो। माधुरी सुतार ने नरेंद्र मोदी का अभिनंदन करते हुए कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल महिलाओं के लिए अभिमान की बात है। धन्यवाद मोदी जी। मोदी जींचे धन्यवाद कशासाठी, तर गेले 9.5 वर्ष कालखंडामध्ये मोदीजींनी अनेक ऐतिहासिक निर्णय घेतले आणि त्यामध्ये महिलांसाठी, सर्व स्तरातील महिलांसाठी त्यांनी खूप प्रयत्न केले आणि आज संसदेमध्ये जो मानाचा तुरा आम्हाला आरक्षणाद्वारे मोदीजींनी बहाल केलेला आहे, तर खरोखरच त्यासाठी मोदीजींचे आम्ही आभार व्यक्त करतो, कारण आम्हा सर्व महिलांसाठी ही एक अभिमानाची गोष्ट आहे, सन्मानाची गोष्ट आहे आणि हा उत्साह, हा आनंद आम्ही साजरा करण्यासाठी इथे सर्वजण जमले आहोत आणि निश्चितच
लवकरच भविष्य कालखंडामध्ये महिलांना याचा प्रचंड प्रमाणात सर्व स्तरावर फायदा होणार आहे आणि त्याचा आम्हाला आनंद आहे। सर्व महिला टीमच्या वतीने, नवी मुंबई जिल्ह्याच्या वतीने, सर्व पदाधिकारी आणि कार्यकर्ता यांच्या वतीने आम्ही मोदीजींचे मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो। धन्यवाद मोदीजी। वहीं अन्य महिलाओं ने भी इस निर्णय का स्वागत कर पीएम नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। थैंक यू सो मच मोदी जी फॉर पासिंग वुमेन्स रिजर्वेशन बिल। वी विल गेट 33% आरक्षण इन द पार्लियामेंट। थैंक यू सो मच फॉर दैट। नरेंद्र मोदी का बहुत 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 धन्यवाद। उन्होंने हम लोग को, महिलाओं को 33% जो आरक्षण दिया है उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, महिला आरक्षण 33% दिल्याबद्दल धन्यवाद। आम्हाला मोदीजींनी 33% आरक्षण, म्हणजे महिलांना 33% आरक्षण दिल्याबद्दल त्यांचे धन्यवाद। ब्युरो रिपोर्ट, नवी मुंबई नेटवर्क।